गया था। हाँ बिल्कुल सही मास्टर, आप इस पूरे के पूरे पेट्रोल पंप में स्टिकी बम्स क्यों लगा रहे? कहीं आप इस पूरे पेट्रोल पंप को उड़ाने तो नहीं चाह रहे? इससे बहुत बड़ा धमाका होगा मास्टर। अरे वही तो मैं भी चाहता हूँ, धमाका हो कि नहीं। मास्टर आप ने फायर एक्सटिंग्विशर में भी स्टिकी बॉम्ब लगा दी मास्टर। हाँ भाई मैं बहुत खतरनाक हूँ, वो तो मुझे उसी दिन कल ही पता चल गया मास्टर। अरे ये कहाँ गया मास्टर, स्टिकी बॉम्ब कहाँ गया? वही तो मैं भी देख रहा हूँ, स्टिकी बॉम्ब कहाँ गायब हो गया अचानक से? शायद होगा कुछ खैर। एनीवेज चलो इस पूरे के पूरे पेट्रोल पंप को उड़ा देते हैं। लेकिन अब एक और चीज़ है जो मैं करने वाला हूँ। अबे अपन डायल करेंगे 9। अरे उप्स ये तो रात हो, सुबह हो गई। सॉरी 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 सॉरी। अरे आजा भाई। मास्टर ये क्या है? यहाँ पे चारों तरफ है गैस सिलेंडर्स और उनके आसपास बहुत सारे स्टिकी बॉम्ब्स। मास्टर तो बहुत खतरनाक निकले। वो तो मैं हुई भाई, चल थोड़ा पीछे आ जाते हैं, फिर स्लो मोशन में इस नजारे का व्यू लेंगे भाई। मास्टर आपने तो उसी जगह बुलाया। वे घोड़े तूने मुझे उछाला क्यों? मास्टर मैंने कुछ नहीं किया, ये अपने आप ही हो गया। साले झूठ बोलता है, साले झूठ बोलता। मास्टर अब हवा के और क्यों मार रहे? तुम्हारे ऊपर मारू है? हाँ मत मारे मास्टर, मुझे गलती हो गई। हाँ वो डर रहे तो अच्छा है। खैर तो अभी अपन थोड़ा दूर जाते हैं और फिर इस जगह का मस्त से स्लो मोशन में व्यू लेते हैं। अरे 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 जा क्यों नहीं रहा, चल मेरे गुट्टे। टिक 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 निकल आया मास्टर। अरे एक चीज तो मैं भूल ही गया मास्टर, आपने उस गोडाउन को उड़ाने के बारे में भूल ही गए, लेकिन आपने वहाँ पे भी स्टिकी बॉम्ब्स लगा दिए। बिल्कुल सही कहा भाई तूने, अभी तो बस मजे ले आऊंगा। और एक सेकेंड मैं तुमसे उतरता हूँ। अरे बार बार मेरे बाल इतने क्यों उग जाते हैं? अरे सैलून भाई मेरे बाल कटवाओ। ये ठीक है भाई, चलो अब स्लो मोशन में इस जगह को उड़ाने को देख भाई। अबे देखना क्या धमाका होता है। अरे कुछ हुआ क्यों नहीं? ये कैसा पटाखा है गाइस, कैसा।
कैसा था? यही था पटाखा। चलो मस्त है, मस्त पटाखे। लेकिन मास्टर वहाँ पे ऊपर क्या कुछ के? अरे वो तो गैस सिलेंडर्स है, उन्हें वही छोड़ दो। चाहिए मास्टर। एक्सक्यूज मी, क्या आपको पता है ये रेलवे स्टेशन कहाँ पे होगा? अरे मुझे नहीं पता, किसी और से पूछो। अरे भाई गाड़ी वाले भाई, क्या रेलवे स्टेशन आपको कहाँ पता है? अरे तू खा बखा रात में क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, मुझे घर में आके सोना भी है। अरे अरे अरे, ये तो बहुत गुस्से में लग रहे हैं, चलो भागो भैया से। लेकिन कहाँ पे है ये रेलवे स्टेशन? अरे भाई कोई तो मिल जाओ, कुछ तो मिल जाओ भाई। अरे भाई क्या आपको रेलवे स्टेशन की जगह पता है? अरे हाँ बिल्कुल, तो बताइए रेलवे स्टेशन कहाँ पे होती है? बस वहाँ पे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे जो आपने जहाँ से आया है, जहाँ तक मुझे याद है, हाँ हाँ वही राइट से, हाँ बिल्कुल वही से, वहाँ से आपको सीधे जाना है। आपको बहुत सारे घर दिखेंगे, झोपड़े दिखेंगे, वहाँ पे आपको उस साइड से होते हुए जाना है। आपको ट्रेन दिखेगा, और फिर अगर ना भी दिखे तो आप बस राइट मुड़ लेना, वहाँ पे आपका रेलवे स्टेशन होगा। बिल्कुल धन्यवाद भाई, चलो चलते हैं। तो गाइस मैं भी जा ही रहा था कि मैंने ये देखा। अरे क्या है भाई, अभी क्रिसमस आ गया क्या? अच्छा कल ही तो था क्रिसमस, तो बिलेटेड मेरी क्रिसमस गाइस। तो ये क्या है, ये जगह कौन सी है भाई? अरे ये तो रेलवे ट्रैक है। अरे लिटरली उस बंदे ने सही कहा था, यहाँ पर तो रेलवे ट्रैक है लेकिन ट्रेन मुझे दिख नहीं रही। अच्छा हाँ मैं तो भूल ही गया, हमने तो उस ट्रेन को जाने के लिए बोल दिया था ना। एक सेकेंड, अभी वो दूर कहीं पे तो मुझे आवाज़ आ रही है भाई। सेकेंड, हाँ भाई ट्रेन में ना रही कि फिर बैकवर्ड कर देता हूँ। बैकवर्ड कर दिया मैंने भाई। चलो अब ट्रेन जब आए तो आए। चलो अभी यहाँ का हाल चाल देखो गाइस, ये तो बस एक जंगली इलाका लग रहा है, मीन रेस्ट्रिक्टेड एरिया। या तो गाइस मैंने इसकी छत पे हेलीकॉप्टर को लैंड करा दिया, बस ट्रेन के आने की इंतजार करनी होगी। फिलहाल के लिए मुझे स्टेशन मास्टर से बात करनी होगी। क्यों आप पूछ सकते हो? वो इसलिए क्योंकि मुझे गाइस ट्रेन चलवाने की, स्टेशन ट्रेन चलाने की जॉब चाहिए भाई। मैं अभी जॉबलेस पड़ा हूँ, तो धंधा से लोगों को सफ़र करवाऊँगा, थोड़े अच्छे काम करवाऊँगा। बहुत हो गए उड़ाना उड़ाना। स्टेशन मास्टर को चले देता हूँ। अरे भाई यहाँ पे एक बंदा जा रहा है। अरे भाई ये स्टेशन मास्टर कौन है आपको पता है? स्टेशन मास्टर, हाँ इस जगह का मालकिन, जो मालक, जो मालिक, जो एक सेकेंड एक चीज़ बोल भाई। हाँ भाई भाई मालिक, यहाँ का मालिक जो ट्रेन के लोगों को हायर करता है। हाँ बिल्कुल 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 वही वही। वो तो आप, हाँ एक बड़ा सा घर है, एक एकदम ठीक ठाक विला जैसा घर है, जहाँ पर एक बाइक खड़ी हुई है, एक टीवीएस विक्टर जैसी कुछ तो है। वहाँ पे एक स्विमिंग पूल है जिसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं है, इनफैक्ट आपके वो जूतों का जितना ही पानी होगा भाई उसमें। और फिर और क्या उसके यहाँ पे अंदर एक बेडरूम है,
एक टीवी है, वो सब है जिस और फिर उसके अंदर एक रोहित नाम का एक बंदा रहता है। हाँ वो ठीक है, एक सेकेंड, ये तो मैं ही हूँ। खैर और क्या, उसी के बगल में लोगों से पूछिए, उनमें से कोई उनके बगल में ही रहता है भाई स्टेशन मास्टर। और थैंक यू भाई, बिल्कुल धन्यवाद, धन्यवाद बताने के लिए। अरे हाँ ये तो मेरा फर्ज था भाई। चलो अपन अब चलते हैं। अरे मेरा घोड़ा कहाँ, घोड़े घोड़े घोड़ा, अरे भाई मेरा घोड़ा, अरे तू वहाँ क्या कर रहा है भाई घोड़े? मास्टर मैं बस घूमने के लिए आया। अरे फटाफट नीचे उतर। आया मास्टर, मास्टर आ गया मैं। तो गाइस मुझे अपने घर का रेलवे स्टेशन का रास्ता मिल गया है और याद भी हो गया। आप पूछ सकते हैं कि भाई आप अब तुम अपने घर में क्यों आए हो? वेल वो इसलिए क्योंकि उसने जो घर बताया था और जो नाम बताया था वो मैं ही हूँ, और ये सब मिलते जुलते भी है। आई होप सो ये वही हो जो उसने बताया। बाकी आप देख सक, बाकी पेट्रोल पंप पे अभी भी आग जल रही है भाई। चलो ये अपना घर है, चलो आसपास देखते हैं। तो अभी मुझे कोई दिख रहा है, एक्सक्यूज मी, क्या आपसे बोल रहे हैं? हाँ हाँ आपसे ही बोल रहा हूँ। तो क्या आप स्टेशन मास्टर को जानते हैं? यहाँ पे के स्टेशन मास्टर को आप जानते हैं? हाँ बिल्कुल, कहाँ पे रहते हैं वो? अरे मैं तो हूँ, आप प्रणाम प्रणाम स्टेशन मास्टर जी, प्रणाम। सब ठीक है भाई, वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम्हें मुझसे काम क्या है। वेल मुझे ट्रेन के ड्राइवर का जॉब चाहिए था। अच्छा ट्रेन का ड्राइवर का जॉब, तुम्हारे थोड़ी फाइल देखने दो। हाँ ठीक है ये लीजिए ये लीजिए। फाइल्स तो ठीक ठाक है। चलो तो तुम अगले एक हफ्ते के बाद से ट्रेन की ड्राइवर, ठीक है? थैंक यू सर, धन्यवाद हा, धन्यवाद हा सर। अरे धन्यवाद की कोई बात नहीं। और हाँ तुम्हें अभी मैं यूनिफॉर्म दे देता हूँ, ये लो, तुम्हें ये पहन के ही ट्रेन चलानी होगी। के लिए भी यूनिफॉर्म? बिल्कुल सर। आपने ये वाले कपड़े क्यों मुझे दे दिए? यही ट्रेन वाले ड्राइवर के कपड़े हैं सर, मगर ये तो मेरे पास भी हैं। अच्छा तो क्या, लेकिन लेकिन सर ये आर्मी के कपड़े क्यों? वो इसलिए क्योंकि ट्रेन, हमारे यहाँ का ट्रेन आर्मी के लिए काम करती है, क्योंकि हमारे यहाँ का ट्रेन लोगों की रखवाली करती है, यहाँ वहाँ ट्रांसपोर्ट करती है, और टेररिस्ट का अगर हमला हो जाए कभी तो उन्हें बचाती भी है, इसलिए एक तरीके से आर्मी भी है वो। अच्छा मास्क गलत दे दिया। और हाँ मास्क की मैचिंग क्यों है स्टार्स सा? वो क्योंकि मेरे पास फिलहाल के लिए यही था। कोई बात नहीं सर, लेकिन मेरे पास ही इससे मैचिंग मास्क भी है। अच्छा ठीक है, उसे ही पहन के आना तो ठीक है। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। हाँ अगले एक हफ्ते से आ जाना काम पर। बिल्कुल सर। तो गाइस ये है मेरी आउटफिट, और आपको तो पता ही होगा अब से मैं हूँ स्टेशन, इनफैक्ट ट्रेन ड्राइवर, लेकिन अगले हफ्ते से ही मेरे स्टार्ट होगी। अरे रुक जाओ, एक और बात है। अब क्या बात है सर? तो गाइस उन्होंने मुझे ट्रेन ड्राइवर बनने के ऑफर से उस प्राइस एडवांस हयाबूसा की बाइक दी है। क्या गजब लग रही है, क्या गदर लग रही है भाई, मस्त लग रही है, तो एकदम खास। तो चलो अपने सारे लोगों को दिखाता हूँ इसे मैं। मास्टर
अब हमें यहाँ क्यों लाया? वही तो मास्टर, वही तो मास्टर, अब हमें यहाँ क्यों लाया? अरे रुक जा टामी, रुक जा घोड़ू, बाय द वे इसका नाम बोलो, मैं आपको यहाँ का एक बाइक दिखाने के लिए आया हूँ। ये कैसा बाइक है मास्टर? वही तो मास्टर, ये क्या है? आगे जाके तो देखो, तब जाओ। ये तो बड़ी मस्त बाइक है, बड़े मस्त बाइक है मास्टर। अबे ये भी मस्त बाइक है मास्टर। अरे वही तो, इतना मस्त बाइक है ये, इसका नाम है हयाबुसा, हयाबुसा। क्या मास्टर? हयाबुसा? हाँ अरे हयाबुसा, वैसे ये मुझे अपने नौकरी में ज्वाइन करने के लिए मिला है। अरे ये क्या सुना? अरे मास्टर आपको किसने नौकरी पे रख लिया? आप तो सारी जगह फोड़ते मिलते हो, अभी तो एक पेट्रोल पंप फोड़ा है। अरे मैंने स्टेशन मास्टर से बात की तो उसने ट्रेन ड्राइवर के रूप में हायर कर ली और ये यूनिफॉर्म भी दिए जो कि मेरे पास पहले से ही थी ऑफ कोर्स। और फिर उसने बोला कि मैंने पूछा कि क्यों ये कपड़े दिए तो उसने बोला कि वेल उसने बोला ये कि ये एक आर्मी की तरह सेव करती है, सारे लोगों को मदद करती है तो इसलिए ये वाला यूनिफॉर्म। और उसने मुझे फिर मैं जा ही रहा था कि उसने बुला कि मुझे बुला के ये हयाबुसा दिए, हयाबुसा दिए। और उसने बोला भी एक और चीज़ है, ये है कि अगर तुम अच्छे से काम किए तो तुम्हें गाड़ी भी मिलेगी। क्या मास्टर? क्या मास्टर, ये कैसे हो सकता? अरे बिल्कुल। एनीवेज गाइस, फिलहाल के लिए इतना ही, अभी फिलहाल के लिए इतना ही, बाद में मिलते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, इनफैक्ट मूवी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन पे प्रेस करें और जितना हो सके उतना शेयर करें। टिल देन तो बाय। बाकी टॉमी और घोड़ो तुम्हें कुछ कहना है? हाँ बिल्कुल गाइस, बिल्कुल आप चैनल को लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर दे। ओ बिल्कुल घोड़ो ने सही बोला, मित्र सही बोले तूने घोड़ो, बिल्कुल सही। तो वीडियो को लाइक कर दे, इस बार की टारगेट आया, इस बार की एकदम मस्त होनी चाहिए, इस बार की टारगेट गेट है हमें सब्सक्राइबर में बहुत बढ़त होनी चाहिए गाइस। ये हमारा पहला मूवी है तो एंजॉय कीजिए घर में जाकर। हम लाइक का टारगेट रखते हैं इस वीडियो में।